मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने मेडिकल कॉलेज में विभिन्न निर्माणाधीन कार्यों की अद्यतन प्रगति की समीक्षा करने के उपरांत विभिन्न निर्माण कार्यों का स्थलीय सत्यापन भी किया। उन्होंने 100 सीटेड गर्ल्स पीजी छात्रावास एवं 100 सीटेड पीजी बॉयज हॉस्टल एवं मेडिकल कॉलेज के अंदर नाला निर्माण एवं अन्य कार्यों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि सभी कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण एवं कार्य को विभिन्न कंपोनेंट में समानांतर कार्य होता रहे ताकि कार्य तेजी से पूर्ण हो सके। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता में किसी प्रकार की कोई कमी न हो तथा मेडिकल कॉलेज में साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। मंडलायुक्त ने इंसेफ्लाइटिस की रोकथाम किए जाने सहित अन्य बिंदुओं पर भी समीक्षा की। इस दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य गणेश कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, आपके सर इनके प्रोजेक्ट मैनेजर जो आते आ रहे हैं सर अमित पांडे ऐसे ही आ रहा है। तो सर मैं उसी के हिसाब से चलता हूँ। मुक्त राशि थी वो तो आपकी एग्जॉस्ट हो गई होगी, कुछ और आना था उसका क्या होगा? नहीं सर अभी पूरी नहीं है, खत्म हुई सर। 203 मिला हुआ है सर। टोटल लागत कितनी है इसकी? सर 273.4 हुआ सर। नंबर कर दिया सर, सर आपने दिखाया था नहीं सेफ्टी का बताएं सर। ये 1245 का प्रोजेक्ट था सर, जिस हिसाब से हमें मिला है और हमने 1545 रिलीज की गई थी एकर फेस के लिए एनर्जाइज करने के लिए सर। फर्टिलाइजेशन से 132 के वी की अंडरग्राउंड केबल आ गई उसका एस्टिमेशन वो सर उसके पैसे जमा कर दिया सर। अभी सर सेकंड फेज में था, एस्टिमेट दिया सर। पैसा या बिजली विभाग जमा नहीं करोगे तो कैसे मिलेगा सर? हमें पैसा मिले उसी का तो एस्टिमेट रहा है सर, इसमें बिजली विभाग का ही सब पैसा सर। बढ़िया काम करिए तो आप कर सकते ये भी है सर। प्राइवेट और सामने भी कुछ ये सर वैसे क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है सर। सरने का आप सर इसके में नगर नियम से डिक्लेयर कर रहे हैं क्या? भेज दिया है तो 2009 में चल रही है। 4-5 कमरे चल रहे क्यों दे रहे हैं सर? Thank you.
निकल जाएगी सर। उन्होंने सब जी एस टी से बहुत ज्यादा दो दो बार चार्ज करते हैं तो जी। देखिए बी आर डी मेडिकल कॉलेज हमारा बहुत ही पुराना मेडिकल कॉलेज है और इसेंशियल में बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए और यहाँ पर कई योजनाएं सरकार की मदद से हम कर रहे हैं तो उन्हीं का एक हम ब्यौरा लेना चाह रहे थे कि प्रगति क्या चल रही है, कुछ समस्याएं तो नहीं हैं। और वही प्रिंसिपल साहब और जिलाधिकारी साहब थे तो हम लोगों ने एक रिव्यू किया है, कुछ स्कीम का हम रूपायन भी देखेंगे और हम चाहेंगे कि इसको बहुत ही कम समय के भीतर में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम का रूपायन कर दें क्योंकि ये यहाँ पर नई नई PMSSY आ चुका है, 500 बेडेड पीडियाट्रिक भी हॉस्पिटल आने वाला है तो उन्हीं सब का हम लोगों ने एक डिस्कशन किया है जिससे कि हम समयबद्ध तरीके से एक गुणवत्तामूलक कंस्ट्रक्शन काम कर रहा है। PMSSY देखिए क्या है कि कंस्ट्रक्शन हमारा कंप्लीट है, आपने जैसा देखा होगा हमारे सारे इक्विपमेंट भी आ सके हैं। इनफैक्ट चार डिपार्टमेंट में हमारे OPD भी चल रही है और इसमें हम सुपर स्पेशलिस्ट की थोड़ी सी हमें चार विभागों में और कमी लग रही है और उस पर हम बात करेंगे, चिकित्सा शिक्षा विभाग से भी बात करके कोशिश करेंगे कि क्या हम जल्दी से जल्दी यहाँ पर ला के उनको भी शुरू करा सकें। बट चार विभागों में आपकी OPD चल रही है, पाँच में सी इंसेफ्लाइटिस सिर्फ मेडिकल कॉलेज नहीं, ये एक पूरे कई विभागों और कई स्तर पर काम चल रहा है। ये स्टार्टिंग फ्रॉम ETC जो आपका इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर से लेके BRD तक हमने पूरी परियोजना जो पिछली बार हमने किया था अवेयरनेस प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों पर हमारा ध्यान है और DM साहब ने भी कल मीटिंग की है तो वो सारी तैयारियाँ हैं और आशा है कि हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर इसमें पुलिस से हम टच में हैं, IG साहब से भी बात हुई है, उसमें मुझे लगता है र्यूमर ज़्यादा है, कुछ घटनाएं उस साइड हुई हैं जिसकी रिपोर्ट थोड़ी देर से आई है, बट हमारे जो नेपाल के ज़िले हैं उनसे भी हम टच में हैं और ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी घटना हुई है जिसका जो हमारे ऊपर बहुत डायरेक्टली कुप्रभाव डाले। सो हम टच में हैं और बॉर्डर पर गश्त भी है और हम अपने जो काउंटर पार्ट हमारे SPs और DM और उनके SPs और DM टच में हैं तो ऐसी कोई समस्या आने वाली नहीं है।